सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआईएमएल के अधिवेशन से विपक्ष को एकजुट होने की हुंकार भरी। दावा किया कि अगर कांग्रेस ठान ले तो 2024 में बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। कांग्रेस को जल्दी फैसला लेना चाहिए, जिस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया। बोले, जो सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं वही कांग्रेस चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि पहले आई लव यू कौन बोले। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बिहार से महासमर का शंखनाद, नीतीश ने एकजुट विपक्ष की फिर भरी हुंकार। ड्राइविंग सीट पर आने को तेजस्वी बेकरार, पंजे ने फंसाया पेंच, पहले कौन बोलेगा आई लव यू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। सीएम की तैयारी ऐसी है कि वो बार बार विपक्ष को एक मंच पर आने की अपील कर रहे हैं। पटना में सीपीआईएमएल के अधिवेशन से सीएम नीतीश ने एक बार फिर एकजुट विपक्ष की हुंकार भरी। साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस अब देरी न करे। मैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात भी कर चुका हूं, फिर भी पता नहीं क्यों देरी हो रही है। हम तो जाकर दोनों को कह ही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए, हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि अगर कांग्रेस एंड विपक्ष एकजुट हो जाए तो फिर बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। हम इंतजार कर, अगर मेरा सुझाव हुआ को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मतलब नहीं मानिएगा तो क्या होगा, आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको सीएम नीतीश कुमार अधिवेशन में मौजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से बार बार अपील कर रहे थे कि हमारी बात को आप कांग्रेस आलाकमान से जाकर कहिए। जब सलमान खुर्शीद ने मंच संभाला तो बोले, जो सीएम नीतीश कुमार की इच्छा है वही कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन मजबूरी ये है कि पहले आई लव यू बोले कौन। मुझे समझ है अपनी पार्टी में जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं। सलमान खुर्शीद इशारों में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना आप ही पहले प्रपोज कर देते हैं, क्या पता अनुभवी कांग्रेस आप लोगों के प्रपोजल का ही इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस से विपक्षी एकजुटता की अपील की। बोले, कांग्रेस रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पर बैठ कर देना चाहिए, और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। विपक्ष की नजर दिल्ली के तख्त पर है, लेकिन कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों का एकजुट होना बड़ा टास्क है। खासकर पीएम उम्मीदवार को लेकर घमासान की स्थिति बन सकती है, सीटों के बंटवारे में कई दिक्कतें आ सकती है, लिहाजा सीएम नीतीश इसे समय रहते सॉल्व करना चाहते हैं ताकि पीएम